आदाब। जम्मू कश्मीर बैंक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आज के बाद काम करेगा, यानी जम्मू कश्मीर बैंक आरटीआई के परव्यू में आ चुका है। सूचना के अधिकार नियम के तहत अब आज के बाद आप आम नागरिक सवाल जम्मू कश्मीर बैंक से पूछ सकता है। हर वो सवाल जो सवाल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के स्टैट्यूट्स के मुताबिक पूछा जाना चाहिए वो अब आप जम्मू कश्मीर बैंक से पूछ सकते हैं। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर बैंक के कॉरपोरेट हेडक्वार्टर श्रीनगर उसके बाहर खड़ा हूँ और आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि कल जम्मू कश्मीर बैंक में दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जिन दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो दोनों उन दोनों कर्मचारियों का एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रोब से कोई लेना देना नहीं, ये हमारे जानकार सूत्रों ने बताया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद के समय में जो धांधलियां उनके मुताबिक हुई हैं उनको प्रोब करने में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर माफ़ कीजिएगा, श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख इमरान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आप जानते हैं कि FIR भी उसमें लग चुका है और उस FIR में डिटेल्ड एंटी करप्शन ब्यूरो ने बताया है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक के कुछ कर्मचारियों ने शेख इमरान की मदद की उनके लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। उन्होंने लोन अमाउंट लिया, जब वो डिफॉल्टर हुए वापस नहीं दे पा रहे थे तो बैंक ने उनको एक स्कीम दी, जिस स्कीम को कैसे कार्व आउट किया गया, उस स्कीम को कैसे लेआउट किया गया, वो सब कुछ आपके पास सारी जानकारी आ चुकी है। उस स्कीम में उन्हें इतनी बड़ी एमनेस्टी मिलती है कि लगभग 93 करोड़ के करीब करीब जो पैसा है उनका माफ़ कर दिया जाता है और उसके बाद भी सिर्फ 58 करोड़ रुपया शेख इमरान ने जम्मू कश्मीर बैंक को वापस दिया है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट चूंकि सरकार के कहने के बाद नए एक्टिंग चेयरमैन आरके छिब्बर ने फौरन ये फैसला ले लिया कि आज के बाद जम्मू कश्मीर बैंक में आम नागरिक एक एप्लीकेशन देकर ये मालूम कर सकता है कि बैंक के अंदर क्या कुछ हो रहा है। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अब आप अलग अलग बैंकों में चूंकि आप PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स नियुक्त होंगे, आप वहां जाकर RTI एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उनसे जान सकते हैं कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैंक में जो अलग अलग जो लोनिंग हुई है किस तरीके से हुई है, सेटलमेंट्स जो हुई हैं वो किस तरीके से होंगी, सारी जानकारियां बैंक से ले सकते हैं। बैंक आपको ये सारी जानकारी अब देगा। PIO कब तक नॉमिनेट होते हैं, ये सारा प्रोसेस कब तक कंप्लीट होता है, वो आने वाले कुछ दिनों में देखने वाला होगा। क्योंकि नए जो चेयरमैन हैं आरके छिब्बर, एक और उन्होंने जो बहुत बड़ा फैसला किया है, उन्होंने कहा है कि जितने भी ऑर्डर्स बैंक के अंदर होते हैं ट्रांसफ़र प्रमोशन पोस्टिंग से लेकर सस्पेंशन तक का हर ऑर्डर अब आपको जम्मू कश्मीर बैंक की वेबसाइट पर मिलेगा। उनका ये मानना है कि ये तमाम वो जानकारियां हैं जो पब्लिक में होनी चाहिए और पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि बैंक में क्या हो रहा है, किस आदमी को क्यों ट्रांसफ़र किया गया, किन ग्राउंड्स पर किया गया, कहां से कहां किया गया। यानी हर ऑर्डर जो जम्मू कश्मीर बैंक में आज के बाद इस कॉरपोरेट हेडक्वार्टर से निकलेगा वो तमाम ऑर्डर्स अब आपको आज के बाद जम्मू कश्मीर बैंक की वेबसाइट पर मिलेंगी। अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। बैंक के एक कर्मचारी से जब हमने बात की और हमने उनसे पूछा कि आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, तो उन्होंने कहा कि पहले भी ऑर्डर्स निकलते थे बैंक के अंदर, इंटरनल कारणों से कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाता था, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती थी, लेकिन वो तमाम चीज़ें ढकी छुपी रहती थी। लेकिन आज के बाद वो तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर बैंक की वेबसाइट से आपको मिलेंगी और उनका ये कहना है कि जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ही ज़्यादा बैंक का बिजनेस बढ़ेगा, बैंक की इमेज और अच्छी होगी। और मैं आपको ये भी बताऊँ, स्टॉक एक्सचेंज में पहले दो दिन जम्मू कश्मीर बैंक के स्टॉक्स को परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद से जम्मू कश्मीर बैंक के स्टॉक्स रिकवर होना शुरू हुए हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि स्टेट विजिलेंस कमीशन ने डॉक्टर कुलदीप हुड्डा के टाइम में कुछ रिकमेंडेशंस जम्मू कश्मीर बैंक को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए की थी। उन रिकमेंडेशंस को जम्मू कश्मीर बैंक को दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद के कार्यकाल में इनमें से किसी भी रिकमेंडेशन पर अमल दरामद नहीं हुआ, ना ही इन रिकमेंडेशंस को माना गया और ना ही इन रिकमेंडेशंस के मुताबिक बैंक के अंदर बदलाव लाया गया। लेकिन अब ये तमाम बदलाव जम्मू कश्मीर बैंक में आ रहे हैं और जैसे राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर राज्य की शान है और ये शान बनी रहेगी, फ़र्क सिर्फ इतना आएगा अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी ये दोनों चीज़ें बैंक में दुगनी नहीं तिगनी नहीं
चौगने दर्जे पर बढ़ाई जाएंगी। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जल्द ही बैंक के कुछ मुलाजमीन को गिरफ्तार करने वाला है। फॉर्मल अरेस्ट के बाद उनसे जांच पड़ताल की जाएगी कि ये जो बहुत बड़े बड़े लोन्स में उन्होंने रियायतें दी हैं, रियायत देने का कारण क्या था और क्यों वो रियायतें दी गई, ये भी होने वाला है। जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उन्हें गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है और जब भी इसमें कोई डेवलपमेंट होती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख इमरान के खिलाफ FIR लॉन्च किया है। FIR डिटेल्ड है, वो सारे का सारा FIR आप लोगों ने पढ़ा होगा और उससे आपको ये मालूम होगा, अंदाज़ा होगा कि ये तो एक बड़ी मछली है जिसके साथ बैंक ने कितनी रियायत बरती, ऐसे और कितने लोग होंगे जिनको जम्मू कश्मीर बैंक ने राहत दी होगी और इसी तरीके से दी होगी। और राहत किस पैसे से दी होगी, 59% शेयर होल्डर जम्मू कश्मीर बैंक में जम्मू कश्मीर सरकार है, यानी जम्मू कश्मीर सरकार का मुलाजिम, आम नागरिक, वो सरकार जिस सरकार को मैं और आप चुनते हैं। अगर ये है तो सूचना का अधिकार नियम जम्मू कश्मीर बैंक को उसी दिन अपना लेना चाहिए था जिस दिन स्टेट और सेंटर में ये पास हुआ था, लेकिन विलंब हुआ, देर आए दुरुस्त आए। RTI एक्टिविस्ट मुजफ्फर भट्ट, रमन शर्मा और इसके अलावा और बहुत सारे लोग, और जम्मू से पत्रकार संत कुमार शर्मा और भी बहुत सारे लोग जिन लोगों के खिलाफ बैंक ने बड़े बड़े मुकदमे किए, उन तमाम लोग, वो जितने भी लोग हैं उनके लिए राहत की बात है ये। तो ये था जम्मू कश्मीर बैंक के कॉरपोरेट हेडक्वार्टर से अपडेट। हम हाजिर होंगे और अपडेट्स लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।